हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 5 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं मैथ रीजनिंग जीके के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मैथ से। और प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं मैथ के सारे टॉपिक बताऊंगा जिस जिससे क्वेश्चन पूछे गए, फिर क्वेश्चन, फिर आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, और उसके बाद जीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। जितने भी क्वेश्चन लेके आऊँ सारे के सारे रियल है, बच्चों से फोन पे बात करके पूछे गए क्वेश्चन है। तो कोई भी आप ये मत बोलिएगा कि फेक है, या फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ में अगर बात की जाए तो टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया है, पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन आया है, बोर्ड मास से दो क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट से भी एक से दो क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। एसआई से एक क्वेश्चन था, और ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन था। परसेंटेज, एज, मेंसुरेशन, एचसीएफ, पता नहीं कितने क्वेश्चन थे बट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके टॉपिक की बात। अगर बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन ये था, बहुत ही आसान था। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो यही काम 5 दिन में करना हो तो कितने आदमी लगेंगे। तो यहाँ पे MDH का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें वैसे आवर तो नहीं है, घंटे तो नहीं है, बट एम और डी आपका वर्क कर लेगा यहाँ पे, यानी कि जितने आदमी जितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं उनकी एक साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितने आदमी और जितने दिन में वर्क कंप्लीट कराना दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब एम वन और डी वन की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 10 आदमी 8 दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं, तो वो कितना वर्क कंप्लीट करते हैं वो निकल के आ जाएगा। 10 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 80 वर्क है, और ये अब हमें कराना है 5 दिन में कंप्लीट। तो कितने आदमी लगाए जाए, तो यहां पे आदमी मान लीजिए x, और 5 दिन में कंप्लीट कराने, तो 80 को 5 से भाग कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, सॉरी ये डेज नहीं होगा, मैन होंगे, ठीक है। तो 16 मैन यहां पे लगेंगे, तो ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 43,000 रुपीज में खरीदा, उसके बाद 3,000 रुपीज इस पर खर्च किए, और उसे 58,000 रुपीज में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट आपको बताना है। देखिए, जब भी कोई चीज खरीदी जाती है तो वो उसकी खरीदी वैल्यूज, मतलब मान लेते हैं कि ये सीपी है, अगर उस पर एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो तब उसकी सीपी क्या बन जाती है, वो एक्स्ट्रा खर्चा भी उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट यानी कि लागत वो मानी जाती है जो पूरे खर्चे हम लगा के लेके आए हैं। अगर हमने कोई चीज खरीदी है और उस पर हमने 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो 43,000 प्लस 3,000 ये कितना होगा, 46, तो अब उसकी सीपी ये हो गई 46,000, ठीक है। बेच कितने में दी, वो 58,000 में हमने बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे बतानी है, तो प्रॉफिट कितने को हो गया, 46 की चीज को हम 58,000 में बेचेंगे तो 12,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 12,000 का प्रॉफिट हो गया, ये हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका सीपी पे निकलेगा, तो 46,000 हम यहाँ पे बेस में रखेंगे और 12,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, और इसको परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 की कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 2 से कट करेंगे 230 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 6,000 हो जाएगा, तो 6,000 को 230 से डिवाइड करेंगे तो 26% प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो 26% आपका प्रॉफिट आ गया। अगर प्रॉफिट पूछा जाता तो आपका 12,000 राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी थी 8,000, रेट दे रखा था 10%, टाइम दे रखा था 2.3 ईयर, और ऐसा ही पूछा था कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल है भाई, जब भी यहाँ पे मंथ में और ये इस तरीके से तोड़ के दे दी जाती है, अगर 2, 3, 4 का दिया जाता है तो बहुत आसान होता है, ठीक है। आप इसको P/R/T/100 से भी कर सकते हैं, और बाकी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ऐसा ही निकालना बहुत आसान होता है। ऐसा ही में क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में लगेगा वही सेकंड में, वही थर्ड में, वही फोर्थ में, ऐसे लगता चला जाएगा। तो 8,000 का 10% निकालिए, कितना आ गया, 800। तो ये 800 जो आया है ये कितने साल का इंटरेस्ट आया, 1 साल का, तो हम इसको 2 की मल्टीप्लाई करके 1600, तो ये हो गया आपका 2 साल का इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे निकालना है 3 मंथ का, तो 800 को हम 12 से भाग करेंगे, क्योंकि 800 पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 मंथ का भी आ जाएगा। तो 3 मंथ का कितना आ जाएगा, 200, 3 से आपका 12 कट जाएगा 4 टाइम, और 4 से 800 कट जाएगा आपका 200 टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1800, यानी कि SI जो आपका निकल के आ गया वो 1800 आ जाएगा, 1800 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एज से बहुत ही सिंपल सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है इस टाइप का, कि ए और बी मान लीजिए, यहाँ पे वैसे नाम था कुछ आदित्य और कुछ भी हो सकता है बी से, तो यहाँ पे था ए और बी मान लेते हैं,
ए की एज का और बी की एज का प्रेजेंट रेशियो दे रखा है 4:3, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट एज जो है, मतलब प्रेजेंट रेशियो है उनकी एज का, और 6 ईयर बाद, 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाता है ये वाला, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 4 से 5 हो गया और ये 3 से 4 हो गया, रेशियो बढ़ा कितने से, केवल 1 से, और जो आपका एज का डिफरेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 6 साल का, यानी कि एज का जो रेशियो बढ़ा है वो सिर्फ 1 से बढ़ा है, बट एज जो बढ़ी है वो कितने से, 6 साल बाद का रेशियो है ना, आफ्टर 6 ईयर का रेशियो ये है, तो 6 साल बाद का ये है, तो 1 से बढ़ा है रेशियो, तो इसका मतलब 1 = 6 हो जाएगा। अगर आपको 1 रेशियो की वैल्यू पता चल गई तो आप प्रेजेंट और 6 साल बाद कभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट की एज अगर ए की और बी की किसी की भी पूछी गई थी तो 4 में 6 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो ए का आ जाता 24 ईयर, और बी की निकालनी थी तो 3 की मल्टीप्लाई 6 में कर देना था, तो आपका आ जाता 18 ईयर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे बोला गया था, एक बिल्डिंग है 48 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है, और उसकी जो परछाई बन रही है वो 32 मीटर की बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया पॉइंट, देखें यहाँ पे, अगर बिल्डिंग की लेंथ 144 मीटर हो तो शैडो कितनी बनेगी, यानी कि उसकी जो परछाई वो कितनी लंबी बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको हाइट पता चल गई है, ठीक है, बेस पता चल गया है, तो आप यहाँ पे ये थीटा लगा सकते हैं, टेन थीटा बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 48 और यहाँ पे ये बेस दे रखा है 32, 48 अपॉन में 32 आपको दे रखा है, ये मतलब आप, मैं इससे निकाल नहीं रहा हूँ बट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 48 बराबर क्या करना है, यानी कि 144, अगर हम 48 के बराबर 148 रखते हैं, यानी कि 48 से 148 जाएगा थ्री टाइम, यानी कि 1 = 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 यानी कि आपको इस शैडो के इक्वल बनाना है, कि ये अगर इस हाइट में, इस हाइट में 3 शैडो बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली हाइट में कितनी शैडो बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप, सॉरी, इस शैडो में कितनी वो बनेगी, तो 32 × 3 कर देंगे, 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो कोई डाउट नहीं है, इजी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक था यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, कि 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार जा रही है और 10 घंटे में किसी दूरी को पूरा कर लेती है। अब यहाँ पे पूछा गया कि 7 घंटे में पूरा करने के लिए स्पीड कितनी इंक्रीज करें, यानी कि स्पीड कितनी बढ़ाई जाए अगर उसी डिस्टेंस को 7 घंटे में पूरा करा जाए। अगर 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 10 घंटे में किसी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, तो वो टोटल डिस्टेंस है कितनी, तो 28 × 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 है पूरी टोटल डिस्टेंस है। 280 को अब हमें कवर कितने में करना है, 7 घंटे में, तो चाल निकल के आ जाएगी, 280 को 7 से भाग कर दीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस चाल से चलेंगे तो ये 7 घंटे में कवर हो जाएगा 280 किलोमीटर। अब यहाँ पे चाल इंक्रीज कितनी है, 28 से 40 हो गई, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो आपका राइट आंसर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, ठीक है। दोस्तों अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके जो मतलब हमेशा क्वेश्चन, सॉरी हमेशा जो चैप्टर आ रहे हैं वो है स्टेटमेंट कंक्लूजन, मिरर इमेज, वेन डायग्राम, स्लोग वाला, ठीक है, सीरीज हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लोक हो गया, कैलेंडर हो गया, एनालॉजी हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, एक ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, अभी मेरे एकदम ध्यान आ गया, ठीक है, एक बच्चे ने बताया था, तो ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके पॉइंट, मतलब टॉपिक्स जिन जिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मिरर इमेज का जो क्वेश्चन था, सॉरी वाटर इमेज का है, यहाँ पे बताया गया था कि मिरर जो रखा हो नीचे रखा हुआ है, तो वाटर इमेज का बन गया, वाटर इमेज में आपको पूछा गया था मैन की, तो मैन का क्या होगा, देखिए अगर M इस तरीके से लिखा है और मिरर आपका यहाँ पे रखा है, ठीक है, इसको जो ये वाटर इमेज है बट इस पे मानना है कि मिरर यहाँ पे रखा है, तो M के पास जो ये खुला हुआ पोर्शन है M का, ये मिरर के पास में है, तो इधर भी आपको खुला हुआ पोर्शन रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से A का हो जाएगा, इसी तरीके से N का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैथ के और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जीके के, उनकी 3 वीडियो मैंने बनाई है, वो वीडियो 1-1 घंटे से भी बड़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप उन वीडियो को देख लें। तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में अभी किसी एक वीडियो को देख लेना पूरी, ठीक है, उसके बाद फिर मान लीजिए आपने मैथ की देखी, फिर उसके बाद रीजनिंग की देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जीके की देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है, जितने भी पूछे गए हैं सारे के सारे मैंने कवर करा दिया अभी तक के, ठीक है, फिर आगे एक बार और बना दूंगा सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके, बस आप वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि शिमला मिर्च, गोभी और सब्जी का वेन डायग्राम बनाना था, तो यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च हो और गोभी हो, दोनों के दोनों क्या है, आपकी सब्जी है, तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन जाना था, तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष से, सभी बिल्ली पपीता है और कुछ बिल्ली खरगोश है, तो यहाँ पे देखिए सभी की सभी हमने पहले बिल्ली बनाई और सभी की सभी बिल्ली पपीता हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है,
ओके है। नेक्स्ट लाइन में बोला गया कि कुछ बिल्ली खरगोश है, तो जब आप कुछ बिल्ली को खरगोश बनाओगे ना तो यहाँ पे ये पपीता भी उसमें थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर पपीता और खरगोश का रिलेशन बोला जाता है स्टेटमेंट में, सॉरी कंक्लूजन में, तो आपको बोलना है यस वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उनके बीच में भी रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कुछ पपीता खरगोश है, तो पपीता और खरगोश के बीच में रिलेशन वैसे तो नहीं बोला गया, बट यहाँ पे रिलेशन इनके बीच में है, क्योंकि बिल्ली के साथ में अगर खरगोश का रिलेशन बनेगा तो इसके घर को पार करके जाना पड़ेगा, पपीते को तो जरूर पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी बिल्ली पपीता है, तो ये पहले वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे बोला सभी बिल्ली खरगोश है, तो सभी बिल्ली खरगोश नहीं है, यहाँ पे बोला गया कि कुछ बिल्ली खरगोश है, तो सभी बिल्ली खरगोश नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था, और इसमें दो पॉइंट याद नहीं है, मतलब उस बच्चा बता नहीं पाया, बट यहाँ पे ये दो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बोला गया था कि अगर पार्टी में आपके ऊपर कुछ गिरा दिया जाए, तो यहाँ पे आपको बताना था कंक्लूजन क्या क्या निकल सकते हैं, निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं। अंदर से बुरा लगेगा पर हंसकर टाल देंगे, और यहाँ पे था हंसकर टाल देंगे, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए अंदर से तो बुरा लगेगा भाई, आप पार्टी में गए और आपके ऊपर कोई डाल दे कुछ, आप खुद सोच के देखिए कि बुरा लगेगा, बट वहाँ पे आप हंस के टाल देंगे, या तो ये हो सकता है या फिर हंस के टाल देंगे, या फिर इसके दो ऑप्शन और थे उनमें से आपको देखना था, तो पूरा क्वेश्चन नहीं है बट इस टाइप का क्वेश्चन था, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस लेके आए एक एक क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, तो बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, बेफिक्र होकर जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा सारे रियल होंगे, कोई भी फेक नहीं होगा, जैसे दूसरे चैनल बहुत सारे मतलब बना रहे हैं बड़े बड़े चैनल भी, तो आप ऐसा मत सोच के चलिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ बताया जाएगा आपको ओके बताया जाएगा, ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एम ओ को अगर डी ओ क्यू लिखा जाता है, एफ क्यू एस को एच एस यू, यानी कि आपको लिखना था, ये तो आंसर ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा था, प्लस टू चल रहा था, इसमें प्लस टू करेंगे, इसमें प्लस टू करेंगे, इसमें प्लस टू करेंगे, तो आपका ये बन जाएगा, इसमें सभी में प्लस टू करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, और इन सभी में प्लस टू करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, तो एच एस यू राइट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन था कि 15, 29, 56, 108, 208 और 400 और 768, यानी कि 768 तो आपका राइट आंसर ही आ गया। यहाँ पे बताना था कि क्या सीरीज, किस तरीके की सीरीज ये थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई टू की थी प्लस सॉरी माइनस वन था, मल्टीप्लाई टू की थी माइनस वन था, मल्टीप्लाई टू की माइनस वन, मल्टीप्लाई टू की और माइनस वन कर दिया, इसी तरीके से आपका चला गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई टू की करेंगे तो 800 हो जाएगा, और 800 में से माइनस सॉरी भाई यहाँ पे होगा आपका 799, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आपके, और कुछ है जीके क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जीके के भी मिले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि कौन सी गैस को हंसते हुए गैस के रूप में भी जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम तत्व में कौन सा तत्व 3 गोले और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आर्गन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मानव शरीर का पीएच मान आपका 7.4 हो जाएगा। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन था कि 16 अप्रैल 1853, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन आपका विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। कान में हड्डियां की संख्या कितनी होती है, आपके 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये 100 से आपका 120 दिन, यानी कि 120 दिन ही होता है अप्रोक्स, ठीक है, तो राइट आंसर आपको 120 ही लगाना था। अगर आपको यहाँ पे दिया जाए ऑप्शन में, तो थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखना पड़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन में कई बार दे दिया जाता है 110 से 120, 80 से 120 भी दे दिया जाता है, 90 से 120 भी दे दिया जाता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे बतानी थी, तो आपका देखिए अगर इंटरनल पूछा जाए तो लीवर है, और अगर पूछा जाए इंटरनल और आउटर नहीं बताया जाए तो स्किन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला तेल संशोधन कहां लगा था, आपका ये डिगबोई राइट आंसर हो जाएगा। दादर नगर हवेली की आपकी राइट यानी कि कैपिटल क्या होगी, तो सिलवासा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी किस राज्य में है, उत्तराखंड में, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पानीपत का पहली लड़ाई भी पूछी गई थी, तो 526 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ पे मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर टेलीग्राम पे आप टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।